लॉकडाउन का सीएम के ऐलान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज रोहतास जिले के डेहरी में सड़क पर उतरी प्रशासनिक टीम ने औरंगाबाद से आ रही बारात से लदी बस में अत्यधिक भीड़ होने के आरोप में बस पर 2000 का जुर्माना किया। तो वहीं शाम 4 बजे के बाद बेवजह सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर 50-50 रुपए का मास्क न पहनने को लेकर जुर्माना किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने उठक बैठक कराकर चेतावनी दिया है कि बेवजह सड़कों पर न घूमें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सूबे में आज से ही पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार सरकार के रूल हैं, उन लोगों ने उन को तोड़कर बहुत अधिक मात्रा में व्यक्तियों को बैठा, जिस वजह से उनको फाइन लगा होगा और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनसे फाइन लिया जाएगा। कितने का सर फाइन हुआ होगा? बस वाले से 2000 का फाइन किए हैं और बाकी से 50-50 रुपये बिना मास्क के। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।